हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं, और जैसा आपको पता है कि ये जो प्लेलिस्ट है जिसमें कि फ्री में आप आईसीटी को पढ़ते हैं, जो कि यूजीसी नेट पेपर में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि है वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर। हम आजकल जो कंप्यूटर यूज करते हैं, जो मोबाइल यूज करते हैं, ये सबके सब जिस तरीके से डेटा को प्रोसेस करते हैं और आउटपुट हमें देते हैं, इनपुट लेते हैं, जो भी कंप्यूटर में हम पढ़ते हैं, वो सब एक ढांचे पे बना है। और वो ढांचा दिया था वॉन न्यूमैन ने। इसके बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे, भी इससे अब क्वेश्चंस जो है बन रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे नए हैं, कि भाई आप ये देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। आईसीटी के सारे सेक्शंस अप टू डेट में रखता हूँ, और इसीलिए ये नया नया टॉपिक जो है इसको भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो अगर मान लो कोई टॉपिक आना बंद हो जाएगा, इस प्लेलिस्ट में हट जाएगा, नया टॉपिक आएगा इसमें डल जाएगा, तो ये प्लेलिस्ट हमेशा अप टू डेट रहती है। ऊपर आई बटन पे भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो किसी ने अगर नहीं देखा है तो जरूर से देख लो भाई, और अपने आईसीटी को अच्छा कर लो। इसके अलावा आईसीटी के तरीके से ही सभी सेक्शन पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग सभी जरूर से चेकआउट करें फ्री में। हालांकि पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके लिए मैंने प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स जो है वो तैयार किया हुआ है यूट्यूब की मदद से। इसके अलावा टेलीग्राम की मदद से मैं आप सभी को फ्री में प्रीवियसर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराता हूँ। दिन में 2 बार आपको प्रीवियसर क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज मिलता है, जिससे हजारों बच्चे जो हैं जुड़े हैं और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जरूर से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम का भी चैनल ज्वाइन कर लो, जो कि फ्री है आप सबके लिए, इसका कोई चार्ज नहीं है। और इसके अलावा अगर आप अपनी प्रैक्टिस को एक कदम और ऊपर लेना चाहते हो और नेट और जेआरएफ के लिए सीरियस हो, तो पेड कोर्सेज एंड पेड प्रीवियसर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। पेड कोर्स में 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं आप सबके लिए, तो उनको जरूर से एक्सेस कर लो। और टेस्ट सीरीज में 100 से ज्यादा क्वेश्चंस फ्री हैं डेमो के लिए, तो जरूर से इस डेमो को चेक करो। बाकी जो डिटेल है हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे, और लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और इस आर्किटेक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं। हेलो गाइस, अब हम लोग बात करेंगे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की। तो इसका क्या मतलब है और कहाँ से इससे क्वेश्चंस बनते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है आर्किटेक्चर का। तो आने वाले समय में जो आगे लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, एंड मेमोरीज के बारे में, जैसे रैम, रोम, कैश वगैरह वगैरह। तो आने वाले चैप्टर्स जो हैं, ये जितने भी मैंने नाम लिए, ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर से। तो वॉन न्यूमैन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये आर्किटेक्चर बनाया जिसपे आज प्रेजेंट के कंप्यूटर्स चलते हैं। कैसे चलते हैं? हर कंप्यूटर में आप देखते हो एक सीपीयू होता है, हर कंप्यूटर में मेमोरी होती है, एंड हर कंप्यूटर में ही जो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस लगती हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है आप देखते हो, चाहे आपका फोन हो चाहे आपका कंप्यूटर हो, वो इसी को इसी इसी एक तकनीक को यूज करके आपके डेटा को प्रोसेस करता है। तो इस आर्किटेक्चर को हम लोग कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये डेवलप किया गया था 1945 में विद अ सिंगल सेंट्रल सिस्टम, बस कनेक्टिंग प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो एक सिंगल सिस्टम जो कि इन सभी चीज़ों को, प्रोसेसर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को लेकर के आपके डेटा को प्रोसेस करता है, ये कंप्यूटर का काम करता है। तो की कंपोनेंट इसके यही तीन है, सबसे पहले सीपीयू, फिर है उसमें मेमोरी, और फिर है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और फिर है सिस्टम बस, यानी कि वो कनेक्शंस जिनसे कि डेटा आदान प्रदान होता है इन तीनों के बीच में। ओके, तो अगर बात करें कि भाई कंप्यूटर या जो प्रोसेसिंग मशीन है कितने टाइप की हो सकती हैं, बेसिकली वो दो टाइप की होती हैं, फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर एंड स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। तो कुछ जो हमारे चारों छोटी मशीनें अवेलेबल हैं, जैसे कैलकुलेटर वगैरह, तो आप कैलकुलेटर पे कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते, उसमें कुछ ऐप को अनइंस्टॉल इंस्टॉल नहीं कर सकते। कैलकुलेटर का एक फिक्स्ड काम है कि वो गणना करता है जो भी नंबर्स के रूप में आप उसे इनपुट देते हो। तो ऐसी मशीनें जिनका काम बहुत स्पेसिफिक होता है और उनको रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता, ऐसी मशीनें कहलाती हैं फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स, जैसे कैलकुलेटर्स। या आपके घर में कुछ दूसरी मशीनें भी हो सकती हैं, जैसे मान लो कि आपके घर में टीवी है ना, तो टीवी में भी आपके रिमोट है और वो चैनल चेंज करते हो, तो वो भी क्या है, वो एक फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है। आप ये नहीं कर सकते कि टीवी को जो है आप उसमें विंडोज डाल दो, या टीवी में कोई और सा दूसरा सॉफ्टवेयर डाल दो, टीवी का सॉफ्टवेयर डिलीट कर दो, ये नहीं कर सकते, उनका काम फिक्स्ड है। लेकिन इसके उलट एक और मशीनें होती हैं जिनको हम कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर,
जिनमें मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर होता है और आप उसे रीप्रोग्राम कर सकते हो जैसे आपके फोन और आपके कंप्यूटर। तो ये जो न्यूमन आर्किटेक्चर है इसकी मदद से स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स बन पाए हैं। पहले फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर्स आते थे, बट ये जो पूरा आर्किटेक्चर है, सीपीयू का यूज, मेमोरी का यूज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज, इससे ही हमारा क्या है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर बन पाए। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, मॉडर्न कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन जॉन वॉन न्यूमैन्स आर्किटेक्चर, सो कंप्यूटर वुड बी मच इजियर टू रीप्रोग्राम। जिससे कि हम उसे रीप्रोग्राम बहुत आराम से कर सकते हैं। मतलब अभी कोई आपने सॉफ्टवेयर डाला, डिलीट करके नया डाल दिया, या किसी और, आप अपने अपने कंप्यूटर को गेमिंग सेटअप बना सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर को मूवी वॉचिंग सेटअप बना सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर को जो मर्जी वो बना सकते हैं। तो ये रीप्रोग्राम करने की एबिलिटी आपके कंप्यूटर में है, और इसीलिए है क्योंकि वो यूज करता है जॉन वॉन न्यूमैन्स आर्किटेक्चर। तो तीन बेसिक यूनिट जैसे मैंने बताया इसमें होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और क्या क्या कंटेंट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, वो इसी के साथ जो दूसरा वीडियो अटैच्ड है, अगर आप नीचे देखेंगे तो बगल में सीपीयू नाम का वीडियो होगा। जनरली एक लेक्चर में कई वीडियोस हो सकते हैं, तो उनको मिस मत किया करो। जैसे इस लेक्चर में एक तो आर्किटेक्चर का ही वीडियो है, साथ में सीपीयू का वीडियो है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे क्लिक करके देख लेना। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे मेमरीज के बारे में, प्राइमरी मेमरी, सेकेंडरी मेमरी, तो वो लेक्चर जरूर से देखना। और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब सीपीयू का जो लेक्चर है वो इसी में इंक्लूड है, लेकिन जो आगे के लेक्चर्स हैं वो इसके बाहर हैं, मतलब बाहर लेक्चर की लिस्ट होगी, उसमें देख लेना। और ये सब मिलकर के हमारा जो है न्यूमैन्स आर्किटेक्चर कहलाता है। तो एक बार इसका चित्र देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसको ध्यान से समझो कि ये है हमारा प्रोसेसर, ठीक है, ये पूरा क्या है, हमारा प्रोसेसर है। इसमें हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक मूवी की फाइल को क्लिक किया, या मैंने एक ऐप को क्लिक किया, तो मैंने क्या करा, इनपुट दिया ऐप को, बोला कि भाई खुल जाओ। तो ये ऑर्डर जो है कहाँ गया, प्रोसेसर के अंदर गया। प्रोसेसर ने उस ऐप को खोला, लेकिन प्रोसेसर अकेले उस ऐप को नहीं खोल सकता है। उस ऐप का जो डेटा है वो कहाँ स्टोर होता है, रैम में या मेमोरी में। और ये जो बसेस हैं, यानी कि जो तारों के कनेक्शन हैं, इसके थ्रू मेमोरी और प्रोसेसर जो हैं ये उस डेटा का आदान प्रदान करते रहते हैं। किसी ऐप को जब आप क्लिक करते हो, तो आपने इनपुट दिया, उस ऐप का जो डेटा है, उसमें जो फोटो है, वीडियो है, म्यूजिक है, वो इतनी सारी हैं, वो सारी प्रोसेसर में नहीं जाती। पहले वो एक्टिव मेमोरी जो रैम होती है उसमें डल जाती हैं, और उसके बाद वो लगातार आदान प्रदान प्रोसेसर और रैम आपस में करते रहते हैं, और ये मिल करके आपको एक आउटपुट आपकी स्क्रीन पर देता है। तो ये जो पूरा आर्किटेक्चर है, सीपीयू रैम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का कनेक्शन थ्रू बसेस, बसेस को भी हम लोग अगले चैप्टर सीपीयू में पढ़ने वाले हैं, तो उसको भी देख लेना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन ये आया था कि भाई ये जो मॉडर्न कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो किसने दिया है, तो सही जवाब होगा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है, तो वॉन न्यूमैन ने दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आस्क बटन दबा के पूछ लेना। सो गाइज, आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ये जो चीज़ें हैं इनको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, एक एक दो दो लाइन की चीज़ें होती हैं और उन पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस आते हैं। मैंने देखा है कई बार ऐसे वीडियोस बनते हैं जो इन दो चार छोटे मोटे टॉपिक्स पे 40 40 45 मिनट और 1.5 घंटे के वीडियोज़ होते हैं, बट उनसे एग्जाम में कुछ नहीं आता है ना। तो जो भी एग्जाम में आता है उस हिसाब से मैं अपडेट करके टू द पॉइंट वीडियोज़ बना के इस चैनल पर डाल देता हूँ। आई होप आपको इस वीडियो ने मदद किया होगा। और इसके अलावा अगर और एक्सटेंसिवली और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं और जेआरएफ को क्लियर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसमें बिल्कुल सिस्टम से टू द पॉइंट तरीके से आपको पढ़ाया गया है। फ्री ब्रीफ लेक्चर्स भी हैं, तो एटलीस्ट उनको तो आप ज़रूर से देख लो, जो कि आपको इसके अंदर फ्री मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे 100 क्वेश्चंस भी आपको फ्री हैं, अगर आप कोर्स ना लेकर के केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। और इसमें आपको सेक्शन वाइज भी अलग अलग प्रीवियसर क्वेश्चन सॉर्टेड वे में मिल जाते हैं। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं लगाने के लिए इसमें भी फ्री हैं, तो इन दोनों का डेमो चेक कर सकते हो। और डेमो अगर आपको नहीं मिलता है, वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं मिलता है तो ये व्हाट्सएप का हमारा नंबर है, इस पर आप चैट करो और बोल दो कि मुझे डेमो चाहिए टेस्ट सीरीज का या कोर्स का, तो आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।